तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अज्जू भाई का बर्थडे के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, पायलट प्लेन को उड़ाने से मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अज्जू भाई खुद ही प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो रेड क्रिमिनल के अलावा सारे लोग बैठे हुए हैं। आखिर रेड क्रिमिनल कहाँ चला गया? अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल को तो बैठने के लिए सीट ही नहीं मिला और वो सीट के पीछे खड़े होकर जा रहा है। थोड़ी ही देर में अज्जू भाई प्लेन को स्टार्ट कर देते हैं। प्लेन काफी स्पीड से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर में ये लोग क्लॉक टावर से काफी ज्यादा दूर निकल आते हैं। पता नहीं अज्जू भाई इन सारे लोगों को कहाँ लेकर जाने वाले हैं और क्या सरप्राइज देने वाले हैं। सारे लोग प्लेन में मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से प्लेन खराब हो जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन अरे ये कि अज्जू भाई ने तो प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। अगर अज्जू भाई सही टाइम पे प्लेन को नीचे नहीं उतारते तो पता नहीं क्या होता। अरे ये क्या, सॉन तो डर के मारे गुल्ली की गोद में ही बैठा हुआ है। थोड़ी इधर में सारे लोग प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। सारे लोग प्लेन से नीचे उतरते ही देखते हैं कि ये तो कोई घना जंगल है और दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अज्जू भाई सारे लोगों से कहते हैं, कुछ लोग इस प्लेन को देखो और बाकी के सारे लोग उस तरफ मेरे साथ चलो। अज्जू भाई की ये बातें सुनते ही रेड क्रिमिनल कहता है, हाँ अज्जू भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आलोक और ब्लू क्रिमिनल इस प्लेन को देखेंगे और बाकी के सारे लोग आपके साथ चलते हैं। अज्जू भाई कहते हैं, तो ठीक है बाकी के सारे लोग मेरे साथ आओ। अज्जू भाई की ये बातें सुनते ही सारे लोग अज्जू भाई के साथ जाने लग जाते हैं। इधर आलोक और ब्लू क्रिमिनल प्लेन को देख रहे हैं। तभी आलोक ब्लू क्रिमिनल से कहता है, हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो जाएंगे, चलो कहीं छिप जाते हैं, काफी मजा आएगा। ब्लू क्रिमिनल कहता है, हम लोग कहाँ छिपेंगे? आलोक कहता है, इस प्लेन में तो कभी नहीं। और इतना कहते ही दोनों वहां से छिपने के लिए कहीं चले जाते हैं। और इधर अज्जू भाई के साथ सारे लोग प्लेन से काफी ज्यादा दूर निकल आए हैं। पता नहीं अज्जू भाई इन सारे लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो आदिवासियों का कबीला है, इसका मतलब कि ये आदिवासियों का गांव है। सारे लोग जंगल में इतने सारे झोपड़े देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सारे लोग ये देखते हैं कि सारे झोपड़े तो खाली हैं, यहाँ पे तो एक भी आदिवासी नहीं है। लगता है सारे आदिवासी अब इस गांव को छोड़ चुके हैं और अब ये गांव पूरा का पूरा खाली है। अज्जू भाई सारे लोगों से कहते हैं, आज की रात हम लोग इसी गांव में बिता लेते हैं और कल सुबह होते ही हम लोग यहां से निकल जाएंगे। अज्जू भाई की ये बातें सुनकर सारे लोग यही फैसला करते हैं कि आज की रात ये लोग यहीं रुकेंगे। तभी रजिस्टर अज्जू भाई से कहता है, तो चलिए अज्जू भाई हम लोग आलोक और ब्लू क्रिमिनल को लेकर आते हैं, वो दोनों काफी देर से हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। तभी अज्जू भाई कहते हैं, हाँ रजिस्टर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम लोग चलते हैं। ये बातें कहते ही दोनों वहां से दौड़कर आलोक और ब्लू क्रिमिनल को लाने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये लोग कितनी जल्दी सो गए। लगता है ये सारे लोग अज्जू भाई के बर्थडे में डांस कर करके काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए सारे लोगों की इतनी जल्दी नींद आ गई। अरे ये क्या, सोन और चुन्नी तो सोए ही नहीं है। लगता है सोन और चुन्नी को इन लोगों ने गार्ड बना दिया है और इसीलिए ये दोनों पहरेदारी कर रहे हैं और सोए नहीं है। चुन्नी और सोन यहाँ खड़े खड़े बोर हो रहे हैं। दोनों यही सोचने में लगे हुए कि अभी तक अज्जू भाई राजस्टार उन लोगों को लेकर आए क्यों नहीं। अब तो काफी ज्यादा रात भी हो चुका है और चुन्नी और सोन को भी नींद आ रही है। और इधर रॉड के साथ साथ गुल्ली बुल्ली भी सो चुके हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद चुन्नी सोन से कहता है, सोन काफी ज्यादा लेट हो चुका है और अभी तक अज्जू अंकल और राजस्टार अंकल आए नहीं, कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए हैं? क्या हम लोग सारे लोगों को नींद से जगा दें या फिर हम दोनों ही उस प्लेन के पास चले ये देखने के लिए कि आखिर उन लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता, मुझे नींद आ रही है। तभी सोन चुन्नी से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। इधर राजस्टार और अज्जू भाई प्लेन के पास पहुंच चुके हैं। अरे ये प्लेन को क्या हो गया, इसे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्लेन में आग लगा दिया है। लेकिन इतनी ही देर में प्लेन में आग कौन लगा सकता है, वो भी इस जंगल में। और यहाँ से आलोक और ब्लू क्रिमिनल कहाँ गए, कहीं उन दोनों ने ही तो ऐसा नहीं किया। अज्जू भाई और राजस्टार तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तभी अज्जू भाई राजस्टार से कहते हैं, ये किसने किया, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे। अज्जू भाई राजस्टार से बात कर ही रहे होते तभी राजस्टार अज्जू भाई के पीछे की तरफ इशारा करता है। अज्जू भाई जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो अरे ये क्या, ये तो लगता है जंगल के आदिवासी लोग हैं और इन लोगों ने तो आलोक और ब्लू क्रिमिनल को आग के ऊपर लटकाया हुआ है। लगता है आज इन दोनों की बलि होने वाली है। अरे ये तो कोई ड्रैगन है, लेकिन ये ड्रैगन यहाँ पे कैसे आ गया, शायद ये ड्रैगन इसी जंगल में ही रहता है। अरे ये तो आग उगलने वाला ड्रैगन है और इसने तो एक झोपड़े में आग लगा दिया। यहाँ से सारे लोगों को जल्दी से जल्दी भागना होगा वरना ये सारे झोपड़े में आग लगा देगा।
चुन्नी और सोन ड्रैगन को देख लेते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों क्या होने वाला है आगे? क्या ये ड्रैगन सारे लोगों को मार देगा? आखिर इस ड्रैगन से कौन लड़ेगा? क्या अज्जू भाई और आईस्टार आलोक और ब्लू क्रिमिनल को उन आदिवासियों के हाथों से बचा पाएंगे, या फिर अज्जू भाई और आईस्टार भी उन आदिवासियों के हाथों पकड़े जाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं और